एकदम से। वो ट्रंप ने क्या किया, पिछले साल फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट आई, इस साल भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट आई और उसको एनुअल फीचर कर दिया गया। जो अकलमंद है वो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप क्यों ट्रंप से डरते इतना? आप लो ना ईरान से ऑयल, लो ईरान से ऑयल लो, तो बोलेंगे नहीं अंकल ट्रंप ने कहा नहीं ले सकते तो हम नहीं ले सकते। मगर कहां गया आपका 56 इंच का सीना, कहां गया आपकी वो बातें कि घर में घुस के मारेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी सोच और फिक्र रखने वाले लोग मुसलमानों के घर में घुसकर हमको मार रहे हैं। हमारी जान की कीमत नहीं है, गाय की कीमत है। हमारे जान की कीमत नहीं है, जानवर की कीमत है। हमारे जान की कीमत नहीं है क्योंकि हमारा नाम मुसलमान। और मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्या तुम अभी भी अपने मसलक के अख्तलाफात में मुलविस रहोगे? रहो अपने मसलक पर। तुम बरेलवी हो तो टनटनाटन बरेलवी रहो, अगर तुम तबलीगी हो तो जबरदस्त उस पर तबलीग का काम करो, अगर तुम सूफी हो तो सूफी रहो, अगर तुम शिया हो तो शिया रहो। मगर एक मेरे सवाल का जवाब दो, जो मिल्लत को इन चीजों पर कमजोर कर रहे हैं, जब तबरेज को मारा गया तो उससे क्या पूछा गया? क्या तू देवबंदी है, क्या तू बरेलवी है, क्या तू सूफी है? ट्रंप से वो ट्रंप ने क्या किया, पिछले साल फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट आई, इस साल भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट आई और उसको एनुअल फीचर कर दिया गया। जो अकलमंद है वो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप क्यों ट्रंप से डरते इतना? आप लो ना ईरान से ऑयल, लो ईरान से ऑयल लो, तो बोलेंगे नहीं अंकल ट्रंप ने कहा नहीं ले सकते तो हम नहीं ले सकते। मगर कहां गया आपका 56 इंच का सीना, कहां गया आपकी वो बातें कि घर में घुस के मारेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी सोच और फिक्र रखने वाले लोग मुसलमानों के घर में घुसकर हमको मार रहे हैं। हमारी जान की कीमत नहीं है, गाय की कीमत है। हमारे जान की कीमत नहीं है, जानवर की कीमत है। हमारे जान की कीमत नहीं है क्योंकि हमारा नाम मुसलमान। और मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्या तुम अभी भी अपने मसलक के अख्तलाफात में मुलविस रहोगे? रहो अपने मसलक पर। तुम बरेलवी हो तो टनटनाटन बरेलवी रहो, अगर तुम तबलीगी हो तो जबरदस्त उस पर तबलीग का काम करो, अगर तुम सूफी हो तो सूफी रहो, अगर तुम शिया हो तो शिया रहो। मगर एक मेरे सवाल का जवाब दो, जो मिल्लत को इन चीजों पर कमजोर कर रहे हैं, जब तबरेज को मारा गया तो उससे क्या पूछा गया? क्या तू देवबंदी है, क्या तू बरेलवी है, क्या तू सूफी है, क्या तू शिया है, क्या तू सुन्नी है? उससे सिर्फ यही पूछा गया कि क्या तू कठुआ है या नहीं, बता। और हमारा मामला यह है कि हम इसी में मुलविस रहेंगे। अरे याद रखो, ये आग में हम जल रहे हैं। खुदा के लिए इन चीजों को छोड़ो, अपने मसलक पर जरूर रहो मगर अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अघाड़ी के कायद कोई सुनने तैयार नहीं था। आज यही आपके यहां के मुकामी मौसूफ कांग्रेस के उम्मीदवार, क्या था वो एमपी के उम्मीदवार का नाम, प्रिया दत्त को लेकर आए साउथ मुंबई से। वो हमारे दोस्त